KPK में और फाटा में ये पहली दफ़ा ये ट्रेनिंग हमने ही स्टार्ट की, और इससे पहले कालीन की ट्रेनिंग KPK में या पंजाब में कहीं पे भी पाकिस्तान में नहीं हो रही थी। तो ये पहला वाहिद इंस्टीट्यूट है। बच्चों ने बिल्कुल तालीम नहीं हासिल की होती उनको, ड्रेस मेकिंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी, इसके अलावा कुकिंग के कोर्सेज, ब्यूटिशियन के कोर्सेज, अड्डा वर्क जो कि शादी के कपड़े बनाते हैं, और स्पेसिफिकली एक जो नई इनोवेटिव चीज़ हम लोगों ने शुरू की है वो कालीन बनाना, जो कि पाकिस्तान में टॉप क्वालिटी के कालीन बनते थे 80s की दहाई में, और फिर बनना बंद हो गए थे फॉर वेरियस रीज़न। तो उस एक आर्ट को हमने रिवाइव करने की कोशिश की है कि जो पाकिस्तानी एक स्टाइल था नॉर्थ का। कालीन की हमारे पास बहुत सी ऐसी कंपनियां जो कि एमओयू करना चाहती है, लेकिन मेरा जो मेन वो ये है, फोकस ये है कि बच्चियों को उनकी मार्केट के मुताबिक उनकी उजरत ज़रूर दी जाए। यानी कोई भी एमओयू करके हम उनको फंसाना नहीं चाहते कि यार वो काम भी करें उनको उजरत भी कम मिले। हिजरत के कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने कालीन बनाया था, वो तुर्की में डिस्प्ले हुआ था, हमारी अपनी बैरोड की बच्चियों ने बनाया था और उसकी बहुत ज़्यादा पज़ीराई हुई थी। इदारे में हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं उन ख़वातीन को कि जो कि बच्चियों को और ख़वातीन को जो कि स्कूल से बाहर है, और इनकी ट्रेनिंग हम इस लिहाज से करते हैं कि उनको हम कोई ऐसा स्किल दे दें जिसमें वो अपने लिए कमाई भी कर सकें और अपने घर को चला सकें। 2015 में बना था और उसके बाद हम तकरीबन 800-900 के करीब बच्चियों को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं, तकरीबन हमारे 7 साल हो चुके हैं, और 6 महीने का कोर्स होता है। हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, मुफ्त कोर्सेज भी कराते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसी होती हैं जिसमें बच्चियों को हम महाना वजीफ़ा भी देते हैं।